हेलो गाइस, मैं हूँ यश अग्रवाल। तो गाइस, आज हम होंडा के बिग विंग में आए हैं। ये होंडा की वो शोरूम है जिसमें आपका सारे प्रीमियम बाइक्स ये सब अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आज इंडिपेंडेंस डे का काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी हुआ है और ये कैसॉन्स होंडा विंग है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको एक बाइक का रिव्यू दिखाते हैं। तो आज जो बाइक है उसका रिव्यू हम करने वाले हैं वो है CV300R, ठीक है। हाल ही में इसका फेसलिफ्ट मॉडल आया हुआ है, ठीक है। तो उसी का आज हम एक रिव्यू बनाने वाले हैं, ठीक है। एक बार इसके लुक्स ले लीजिए। ये जो है ये आपका रिसेंटली जो है ड्यूक 390 और ड्यूक 250 से जो है KTM का आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं इसका। और भी बहुत सारी यामाहा के बाइक से जिससे आप इसका पूरा रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको होंडा की जितनी हाई पावर बाइक्स है सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे आए तो ऐसा कुछ आपको इसका कीज़ मिलेगा, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ आपको कीज़ मिलेगा, बेसिक की है इसमें, ठीक है। और अगर अब हम इसके आगे के तरफ में आऊँ तो ऐसा आपको कुछ हेडलाइट का लुक्स मिलेगा। पूरी LED हेडलाइट्स आपको मिलती है, दो DRLs आपको ऑफर किए गए हैं। और इसमें जैसे अभी लो बीम में है, अगर हाई बीम में कर दो तो आपको ऐसा ऑप्शन इसमें दिखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो ये जो है ये आपको LED में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वाइज़र आपको नहीं दिएगा, तो काफ़ी मतलब बल्की लुक देती है जो काफ़ी अच्छा इसको लुक्स बना देती है। अगर आप इसका सॉकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कोई काफ़ी हाई एंड बाइक्स जो होती है वैसा सॉकर इसमें दिया गया है, जैसे जो सुपर बाइक्स होती है वैसा सॉकर्स आपको इसमें मिला गया है। और सस्पेंशन के सारे डिटेल्स आपको साइड में मिल जाएगी, ठीक है। इसमें दो कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक और रेड। अभी जो आप देख रहे हैं वो रेड है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको इसमें मड गार्ड मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको रेडियम ये सब ऑफर किया गया है। एक बार इसके सस्पेंशन का लुक देखिए, इसके कारण बाइक का लुक्स काफ़ी एनहांस हो गया है, ठीक है। 17 इंच के आपको आगे पीछे टायर मिलते हैं। ये आपका इसका प्रोफाइल हो गया 110/70 R17, ठीक है। 153 की आपको ग्राउंड क्लियरेंस में ऑफर करी गई है। डुअल चैनल ABS है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत मोटे टायर्स आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। और अगर अब मैं इसके मिरर्स की तरफ आऊँ तो बेसिक नॉर्मल मिरर्स आपको इसमें ऑफर किए गए हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आप इसमें ये देखें तो इसका जो क्लच है वो काफ़ी लॉन्ग दिया गया है, जिससे अगर किसी का हाथ लंबा है छोटा है तो उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। ऐसे कुछ आपको हैंडल्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं, पूरा लुक ले लीजिए इसका। यहाँ आपको इसका डिपर और पास स्विच एक ही में ऑफर किया गया है, ठीक है। और ये इसका हॉर्न का स्विच है, ये कुछ अलग सा आपको दिया गया है इसमें, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसका इंडिकेटर का स्विच है। हज़ार्ड लाइट का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 2,77,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। एक ही वेरिएंट इसमें आता है और यहाँ आपको स्टार्ट और किल स्विच दोनों का ऑप्शन यहीं पर आपको एक ही बटन में दिया गया है, ठीक है। और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो डिजिटल है, बट इसमें आपको नेविगेशन ये सब का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ आपको लाइक RPM का ऑप्शन दे दिया गया है, एवरेज का ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। कौन से गियर में है, साइड स्टैंड का इंडिकेशन, ठीक है। टोटल किलोमीटर्स, किलोमीटर पर आर, ये सब को सब कुछ दे दिया गया। ट्रिप भी, फिर कितने टाइम से बाइक चल रही है, तो ये सब का एक नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर किया गया है। और जस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आप चाबी लगा सकते हैं। और अगर मैं इसके इसमें आपको जैसे ABS का लाइट्स ये सब का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ जस्ट जो मिरर है इसके साथ ही आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक की ब्रेक ऑयल का ढालने का ऑप्शन मिलता है। अगर जस्ट मैं इसके थोड़े से और नीचे आऊँ टायर्स की तरफ वापस, तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ रेडियम ऑफर किया गया, ट्यूबलेस टायर है। ऐसे कुछ अलॉयज आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे थोड़े साइड में आपको देखिए होंडा की बैचिंग मिलती है, ठीक है। 3D में नहीं मिलती, स्टिकर्स में मिलती है। और यहाँ CV300R मिलता है।
ठीक है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे CB300 में बहुत सारे ऑप्शन है। एक रिसेंटली एक CB300F आने वाली है जिसका रिव्यू मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, जैसे वो आएगी। बहुत गजब बाइक है वो, ठीक है। अगर आप इसके टैंक्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पे दिखेंगे जो आपको एरोडायनामिकली बहुत हेल्प करने वाले और लुक्स के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। लुक्स इससे बहुत एनहेंस हो रहे हैं। काफ़ी यूज साइज़ है टैंक का, जिससे काफ़ी अच्छी लगती है ये बाइक। और ऐसा कुछ आपको टैंक यहाँ पे मिलता है 9.6 लीटर या कुछ ऐसे लीटर का आपको इसमें वो मिलता है। 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स इसमें मिलता है, ठीक है। और ये आपको काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही है। और ऐसा कुछ आपको इंजन देखने के लिए मिलता है। इंजन के सारे स्पेक्स आपको इसके बाद मिल जाएंगे लिखा हुआ। ऐसे भी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये 31.2 का PSI का पावर जनरेट करती है और 28 Nm के आसपास का टॉर्क इसमें जनरेट किया जाता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स है। यहाँ आपको इंजन के जस्ट नीचे इंजन प्रोटेक्शन ये सब का भी ऑप्शन दिया गया है। और ये जो नेकेट आपको ऐसे दिखेगी यहाँ नीचे से, वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आपको सस्पेंशन पीछे का दिया गया है, जो ये सब जो सस्पेंशन है सब जो हाईलाइट किया गया है। इंजन के कुछ कुछ जो स्क्रूज टर्न्स है सबको सिल्वर कलर में जो वो किया गया है, वो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और यहीं आपको एक रेडिएटर भी मिलता है, ये रहा इसका रेडिएटर। इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन ऑफर किया गया है। लिक्विड कूल्ड मतलब ये लिक्विड से ठंडी होती है, ठीक है, एयर कूल्ड नहीं है। और यहाँ ये देखिए, ये इसका चेन ये सबका सब ऐसे इसको थोड़ा सा नेकेड ऐसे किया गया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ आपको साड़ी गार्ड मिलता है, ये देखिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसमें सीट्स दिखाऊं, तो ऐसे आपको स्प्लिट सीट्स इसमें मिलती हैं, ठीक है। ये पैसेंजर सीट्स, ये ड्राइवर सीट होगी, ठीक है। और ये आपका पिलियन सीट होगी। पिलियन को होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ से आप इसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लुक्स एनहेंस करने के लिए यहाँ आपको कुछ भी सपोर्ट के लिए नहीं मिलता है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बट लुक्स एनहांस करने के लिए वो आपको डेफिनेटली कभी कोई भी स्पोर्ट्स बाइक में नहीं मिलेगी, ठीक है। जो भी है, ये बस मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसका टैंक इतना बड़ा आप देख सकते हैं और सीट्स इतना छोटा है कि पीछे वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मतलब डेफिनेटली अगर वो टीनेजर या मतलब कोई आपके लड़की वड़की होगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट डेफिनेटली आपके घर पर कोई ओल्ड एज और वो होंगे आपके मम्मी पापा, तो उनको बैठने में काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। ऐसे कुछ आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको एक की होल मिलता है। ये की होल आपको इसलिए मिलता है कि जिससे आप यहाँ पे अपना सीट खोल सकें और अपने पेपर जैसा इसमें रख सकें, कि आपको और कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला पेपर रखने के लिए। यहाँ पीछे की आप लुक ले लीजिए इसकी, ऐसा कुछ लुक्स है इसका। CB300R का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। LED लाइट्स आपको मिलते हैं, यहाँ नंबर प्लेट अलग आ सकते हैं जहाँ पे CB300R लिखा हुआ है। ऐसा कुछ आपको पीछे मिलता है, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी बल्की टाइप से अच्छी लग रही है यहाँ पे मुझे, ठीक है। यहाँ आपको एक मडगार्ड यहाँ पे अंदर की तरफ भी दिया गया है, जिससे आपका इंटरनल पार्ट्स गंदा ना हो मड से। और यहाँ पे आपको पीछे भी ABS मिलता है, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, ठीक है। 150/60 R17 का आपको टायर मिलता है इसमें। टायर के ग्रिप्स आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा तरीका से, जो KTM में जो ग्रिप आते हैं वैसे ही हैं, MRF के टायर आपको दिए जाते हैं। ऐसा कुछ साइलेंसर मिलता है, देखिए। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ भी आपको एक ब्रेक ऑयल का ऑप्शन मिलता है पीछे की तरफ डालने के लिए। पीछे भी इस पर डिस्क और ABS मिलता है, ठीक है। CB300R की बैचिंग होंडा अभी काफ़ी ज़्यादा अपने इसमें चल रही है, अपने बड़े बाइक के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। स्पेशली इसका कलर कॉन्ट्रास्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देखिए यहाँ थोड़ा बहुत आपको ग्रेश टोन दे के रखा है, रेड टोन दे के रखा है, मैट ब्लैक टोन, फिर इंजन के तरफ में देखिए कैसे कलर्स वो करके रखे हैं, फिर सिल्वर टोन दे के रखा है, ठीक है। ब्रेक्स में एकदम ग्लॉस ब्लैक टोन दे के रखा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसमें गोल्डन टोन दिया हुआ है, तो जिससे ये बाइक का लुक्स काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे देखिए साइलेंसर का ये जैसे निकाला गया है, ये सब के कारण बाइक का लुक्स काफ़ी एनहांस हो जाता है, ठीक है। लाइट्स में भी आपको होंडा का
ये बैजिंग मिल जाता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए होंडा का बैजिंग आपको दिया गया है। जब लाइट्स ऑफ होती है तभी भी काफ़ी अच्छी लगती है बाइक, ठीक है। तो यही था ये बाइक में, इसके अपर सेगमेंट्स में जो बाइक है लाइक 300F जो लॉन्च होने वाली है, और बाकी सब आप जो बाइक देख सकते हैं जैसे देखिए जो CB350 RS, ये सब बाइक्स काफ़ी अमेजिंग बाइक्स है, ठीक है। यहाँ हाईनेस होगी और ये सब बाइक्स काफ़ी अमेजिंग बाइक्स है। आपको कोई भी बाइक्स चाहिए हो तो आप होंडा बिग बिंग केसोन्स में आ सकते हैं, ठीक है। शोरूम का सारा डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही था आज का ब्लॉग, में एक बार बाइक के लुक्स ले लीजिए। बहुत अच्छी बाइक है ये, बहुत पावरफुल बाइक है। एक बार आप इसका 360 लुक ले लीजिए। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि होंडा ने आपको होंडा के सारे पार्ट्स, होंडा के सारे शोरूम्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ऐसा कुछ साइड शाइन भी आपको ऑफर किया गया है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे देखिए एक रॉड आपको दिया गया जिससे आप इजीली स्टैंड लगा सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यही था आज का ब्लॉग में, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको और भी कोई भी बाइक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।